डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ का लोहिया नगर थाना क्षेत्र बेखौफ बदमाशों का गढ़ बन गया है। चिकित्सक के क्लिनिक पर तीमारदार को गोली लगने की घटना को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि कपड़ों का काम करने वाले अनीश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल अनीश की कार इमरान की बाइक से टकरा गई थी, जिस पर वहां विवाद खड़ा हो गया। फोन कर इमरान ने अपने दोस्तों को बुलाया और अनीश को गोली मार दी। अनीश जाकिर कॉलोनी गली नंबर 9 में रहता था, जबकि इमरान मलिक भी वहीं पास में ही रहता है। गोली लगने के बाद अनीश को संतोष हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इससे गुस्साए परिजनों ने लोहिया नगर थाने का घेराव करते हुए हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इस बारे में अनीश के परिजन सद्दाम ने घटना के बाद TV को यह जानकारी दी। मेरा नाम सद्दाम है। सद्दाम भाई, आज क्या घटनाक्रम हुई भाई के साथ में, क्या पूरा मामला? घटना ये हुई, मेरे जो चाचा हैं फरमान, उनके ताऊ के लड़के हैं अनीश, ये दोनों गाड़ी से आ रहे थे, शिफ्ट गाड़ी थी। रास्ते में मोहल्ले में ही इधर देख बाइक बीच में बाइक से टकराई इमरान की बाइक से उनकी कार। बाइक टकराने के बाद जो वहाँ मौके पे एक दो जने खड़े हुए थे, उन्होंने मामला शांत करवा दिया। उसके बाद इमरान ने फ़ोन करके अपने परिवार के अपने छोटे भाई को, साद को, फरमान को, फुरकान अपने चाचा फुरकान को, आरिफ को, रिजवान को, इरफान को, इन्हें बुलाया और ये हथियारों से लैस हो गए। पिस्टल तमंचे इनके हाथ में थे, लहराते हुए आए और इन्होंने आके अंधाधुन गोली चलाई सीधी। अच्छा। गोली उनके आँख में लगी। आँख में लगने के बाद जब उन्हें अस्पताल लेके गए, उन्हें वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। उसके बाद जब उनके गोली लग चुकी थी, उसके बाद भी उन्होंने पिस्टल के कट्टों की बटों से जो फुरकान उनके साथ में थे उन पर बजाया, उन पर हमला करा। क्या दुश्मन आएगी थी? दुश्मन आएगी कुछ नहीं थी, एक मोहल्ले पड़ोसी हैं बस। हाँ, पहले कभी कोई विवाद वगैरह हुआ? पहले कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, मगर आज ऐसा लगा कि जैसे पी प्लानिंग हो, क्योंकि बाइक टकराना और फिर सीधे आके गोली चलाना एकदम, इसका तो मतलब यह है कि आदमी तैयार बैठा लड़ने के लिए, इसका तो सीधा सीधा यही मतलब है। ठीक है, तो अब तहरीर वगैरह दी आपने थाने में? हाँ, तहरीर जो दे दे अभी तो फिलहाल वे वहाँ है क्या नाम मेडिकल पर। हाँ, तहरीर देंगे लिख के खिलाफ। प्रशासन से हमारी अपील है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए। मारपीट करने में कितने जने थे? मारपीट करने में ये 7 से 8 जने थे। मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके घरों पर बिल्डोजर चलाया जावे। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से छात्र नेता भी हूँ और लॉ का स्टूडेंट भी हूँ। मेरी प्रशासन से ये अपील है। पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार ने यह बताया। आज दिनांक 22 जून को रात्रि 9:30 बजे थाना लोहिया नगर को सूचना प्राप्त हुई कि स्थानीय थाना अंतर्गत जाकिर कॉलोनी में दो पड़ोसियों में गाड़ी में टक्कर को लेकर विवाद हो गया, जिसमें अनीश पुत्र यामीन को इमरान मलिक द्वारा गोली मार दी गई। अनीश को इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई है। इनके पोस्टमार्टम का वो प्रक्रिया कराई जा रही है और प्रकरण में गंगा धारा में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जा रही है। अभी तक ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।